आज बहुत ही ऋणी हूँ अपने वार्ड के काउंसलर इंद्रजीत जी का, और जिन्होंने आज हमें ये जो सौभाग्य हमें प्राप्त किया है तो मैं इनका बहुत ऋणी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, हमारा हौसला बहुत बढ़ता है क्योंकि हम हर इस टाइम हम लोगों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा दोनों ही चाहते हैं कि भी लोगों की सुरक्षा हमें पहले है, अपनी सुरक्षा बाद में है। हम यही चाहते हैं कि भी हम ऐसी इस रक्षा को और सुरक्षा ऐसे ही करते रहें। फिलहाल तो हमें ऐसा कुछ डर नहीं लगता, पर हम यही सोचते हैं कि जहाँ हमारा समाज है, जहाँ हमारा देश है, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करने के। मेन बेसिक आइडिया इज़ कि इनको स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिशिएशन इनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि जो योगदान इनका है, लोग जहां अपने घरों से नहीं निकल पा रहे, ये लोगों का दूसरों का भी वेस्ट उठा रहे हैं। यहां तक कि शिमला के कई वार्डों में लोग होम क्वारंटाइन है, जो बाहर से ट्रेवल करके आए हैं, उनका वेस्ट भी ये लोग उठा रहे हैं। तो मेरा कहना तो है कि शिमला शहर इनका ऋणी है, क्योंकि ठीक है डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पुलिस वाले अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जो यो ये लोग कर रहे हैं और मात्र बड़ी छोटी सी तनख्वाहों के लिए कर रहे हैं, इनका हम आभार मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो मेरी आपके माध्यम से प्रशासन से भी मांग है कि इनकी सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, और शिमला के वासियों से भी है कि इनको प्रोत्साहित करें, क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं मुझे नहीं लगता आज के समय में कोई और कर रहा है। ये सम्मान करने का मकसद क्या था इनको? हमने कुछ लोगों से बात की कि दे एनकरेज, उत्साह बढ़ता है। डेफिनेटली मैं इनको मोटिवेट करना चाहता हूँ ताकि ये प्रोत्साहित रहें, ताकि इनको लगे कि इनके पार्षद एज ए व्यापार मंडल शिमला भी, हम व्यापारी भी इनके साथ हैं एज ए पार्षद भी, और मैं इनकी कभी इनको कोई निजी तौर पर भी कोई हेल्प है, हम खड़े हैं। और यही कहना चाहते हैं कि ये अपना काम जिस तरह से कर रहे हैं ये सराहनीय है।